आईपीएल 2022 में दिनेश कार्तिक ने आरसीबी की टीम से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दिनेश कार्तिक शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि दिनेश कार्तिक अपनी जगह वर्ल्ड कप में फाइनल कर रहे हैं। दरअसल आज हम आपको दिनेश कार्तिक के आलिशान लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल चौथे मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने 27 गेंदों पर 203 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 55 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के देखने को मिले। दिनेश कार्तिक की ही तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया 82 रनों के विशाल अंतर से जीतने में सफल हुई है। आईपीएल 2022 में दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी की थी, यही वजह है कि दिनेश कार्तिक का चयन टीम इंडिया में हुआ। आईपीएल 2022 में दिनेश कार्तिक 16 मुकाबले में 330 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक देखने को मिला। टीम इंडिया और आईपीएल में आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज दिनेश कार्तिक 90 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। दिनेश कार्तिक की कमाई का अहम जरिया आईपीएल है और दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से सालाना 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक लग्जरी कार्स के भी शौकीन हैं। उनके पास कार्स का अच्छा खासा कलेक्शन भी है। दिनेश के पास 1,78,00,000 की कार भी है, जिनका नाम पोर्शा है। उनके पास करीब 9,70,000 रुपए की टाटा अल्ट्रोस नाम की किफायती कार भी है। इसके साथ ही दिनेश कार्तिक चेन्नई के आलिशान बंगले में रहते हैं, जहां वो अपनी वाइफ दीपिका पल्लिकल के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक 90 करोड़ के संपत्ति के मालिक है और इसी के साथ अब दिनेश कार्तिक करोड़ों दिलों की धड़कन भी बन गए हैं। जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने चौथे मुकाबले में अपना प्रदर्शन दिखाया, वो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक का अहम रोल माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिनेश कार्तिक अपने आने वाला प्रदर्शन कैसे ही दिखाते जाएंगे या फिर वो वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।